इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। नेशनल हेल्थ मिशन के नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ग्वालियर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खबर है कि पेपर लीक करने का ये गोरख धंधा उत्तर प्रदेश में चल रहा था, जिसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि पुलिस को अभी भी मास्टरमाइंड की तलाश है। बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड यूपी के प्रयागराज का रहने वाला है। आइए अब आपको बताते हैं कि पुलिस ने इस गोरख धंधे के मकड़ जाल तक कैसे पहुंची। दरअसल ग्वालियर पुलिस को एक छात्र के परिजन ने सूचना दी थी कि कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया है। वो उनसे परीक्षा के पेपर्स को लेकर कोई डील करना चाहते हैं। इसके लिए छात्र को उन लोगों ने डबरा के टेकनपुर के होटल में बुलाया था। इस सूचना पर पुलिस ने बताई जगह पर छापा मारा तो वहां से पुलिस ने एग्जाम का पर्चा बेच रहे 8 लोगों को धर दबोचा। पकड़े गए 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ और इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बाकी 2 आरोपी हरियाणा और ग्वालियर के रहने वाले हैं। इसके अलावा मौके से 26 स्टूडेंट्स को भी पकड़ा गया है, जिनमें 15 लड़कियां और 11 लड़के हैं। ये इतना महत्वपूर्ण एग्जाम था, ये एक पूरा रैकेट है जिसमें अभी 4 राज्यों के आरोपी शामिल हैं और इनका कहां कहां पे नेटवर्क है। और ये जो एग्ज़ाम है ग्वालियर के अलावा आज अन्य मध्य प्रदेश के शहरों में भी हो रहा था, तो वहां भी क्या इनके लिंकेज हैं, इस सब पर अभी हमारा गहन इंट्रोडक्शन होना इंट्रोगेशन होना बाकी है। अभी इस पूरे प्रकरण में थाना क्राइम ब्रांच में धारा 420 66 EIT एक्ट 120B और 3-4 मध्य प्रदेश परीक्षा अधिनियम, इसके तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। ये जो 8 आरोपी हैं इनको हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनका PR लेंगे और साथ ही इनसे अभी हम पूछताछ करेंगे, इनके मोबाइल्स की हम जांच कराएंगे। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द इस पूरे रैकेट की जड़ तक पहुंचा जाए और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध हम सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई जल्द से जल्द कर लें। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि एग्जाम के पर्चे की डील के लिए सभी को टेकनपुर बुलाया गया था। हर परीक्षार्थी से 2-3 लाख रुपए में बात तय हुई थी। बताते चले कि NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश की परीक्षा 7 फरवरी को होनी थी, लेकिन पर्चा लीक होने की वजह से एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। इसी के बाद पुलिस जांच में जुटी थी, जिसके बाद एक बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।